सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉगिंग वीडियो। ओके ऑलराइट गाइस, काफ़ी टाइम बाद आ चुका है एक और न्यू व्लॉग। एंड गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:22। एंड गाइस, अभी मैं जाने वाला हूँ मेरी पोम बिलो सर्विस डालने, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से बंद हो गई थी। आई मीन दानिश के बर्थडे पर ही बंद हो गई थी। एंड गाइस, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मेरे पास आज इतनी सारी खुशखबरियाँ हैं। आई मीन मेरी गाड़ी ठीक होने जा रही है, एंड मुझे किसी बंदे ने बात की एंड पर्सनल नंबर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो जाते हैं पहले गाइस, गाड़ी सर्विस डाल के आते हैं, देन आपसे मिलते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं नीचे और पहले गाड़ी को अपने क्लीन वगैरह करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है अपनी गाड़ी। ओके फाइनली गाइस, पहुँच चुके हमारी पोम बिलो। सो भाई ओके गाइस, अभी सर्विस में तो डाली है, एंड देखते हैं कब तक ठीक होती है। एंड गाइज, आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ मैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई मीन डूड, मैं क्या बताऊँ। सॉरी। ओके फाइनली गाइज, अभी हमने सर्विस डाल दी है, एंड कल मिल जाएगी हमें हमारी पंप मिल लो, एंड होप कि कल ठीक हो जाए। आई मीन ठीक तो हो ही जाएगी। सॉरी, लेट्स गो गाइज, चलते हैं घर पे। एंड आपको एक बात भी बताने की, सो लेट्स गो। Hear you tonight, I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And you have okay, alright guys, finally abhi hum aa chuke hain gaadi service dal ke. सो वही चो चलते ऊपर, एंड आपको एक बात बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली है मेरे लिए भी ना आपके लिए भी। सो चलते पहले ऊपर, देन मिलता हूँ। ओके ऑलराइट गाइस, फाइनली अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। एंड गाइस, पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, बिकॉज देखो मैं कैसा हो रहा हूँ, अभी तक नहाया भी नहीं मैं, जल्दी से मेरी पोम बिलो डालने चला गया। सो मैं रेडी होता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, एंड टाइटल थंबनेल में पता चल गया होगा। एंड लिटरली गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा आई मीन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, मैं मिलता हूँ आपसे रेडी होके। सो वही ओके ऑलराइट गाइस, फाइनली अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। एंड गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:49। एंड गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं मेरी पोम बिलो सर्विस डाल के आ चुका हूँ, एंड कल मिलेगी मुझे मेरी पोम बिलो, एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड गाइस, मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि गाइस मुझे किसने मैसेज किया। आई मीन मैंने खाली उनसे हाय हेलो किया। सो गाइज, मैंने जिससे बात की, एंड जिसका मेरे पास पर्सनल नंबर है आज, एंड वो मेरा फ्रेंड है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो बंदा मेरा भाई आई मीन दोस्त बनेगा, जिसका नाम है गाइज सोहेल जी। एंड आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जाओ जल्दी से, लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाके देखो। सो गाइज पहले ये बताता हूँ मैं आपको, हमारी बातचीत कब हुई, कब से नहीं हुई। सो मैं आपको सब बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। सो वही ओके ऑलराइट गाइस, मैं आपको सब स्टार्टिंग से बताता हूँ। सो गाइस, मैंने सोहेल भाई से इंस्टाग्राम पे बात की थी। आई मीन उन्होंने डाला था पेड प्रमोशन का, सो मैं सोचा कि मैं उनसे पेड प्रमोशन करवाता हूँ, एंड प्रमोशन भी मैंने करवा दिया। बट आप सुनो कि गाइस, फर्स्ट ये हुआ कि मैंने सोहेल भाई को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मुझे प्रमोशन करवाना है, तो सोहेल भाई ने मुझे रिप्लाई दिया। सोहेल भाई ने बोला ओके ब्रो, मैं कर दूंगा। देन उसके बाद मैंने उस टाइम टी शर्ट पहनी हुई थी जो मेरी इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे है, जीहन ब्रू की पिक डली हुई, वो मैंने टी शर्ट पहन रखी थी। ओके सो गाइज, मैंने फर्स्ट टाइम सोहेल जीहन से बात की थी इंस्टाग्राम पे, उस टाइम मैंने जीहन ब्रू की टी शर्ट भी पहनी हुई थी जो मेरी इंस्टाग्राम पे है। सो वो स्टोरी उस टाइम मेरे सोहेल भाई ने देखा, देन उस पर रिएक्ट करा एकदम इमोजी हार्ट वाला। उसके बाद मैंने उनसे पर्सनल नंबर नहीं मांगा, आई मीन नंबर मांगा था कि आपका कोई नंबर दे दो पर्सनल ना हो, बट सोहेल भाई ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया, एंड उन्होंने बोला था कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। आई मीन सोहेल भाई ने मुझे बोला कि मैंने सोहेल भाई का दिल जीत लिया। सो गाइस, मैंने फर्स्ट टाइम सोहेल भाई से बात की थी उनके पर्सनल नंबर से, वो आपको मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। सो गाइस, मैंने 1 अप्रैल को उनसे फर्स्ट टाइम रात के समय पर बात किया था, वो भी 11 बजे। सो उस टाइम पर फिर सोहेल भाई ने मुझे बोला कि वो जो टी शर्ट पहन रखी थी उसी प्रिंट का मेरा एक बैक कवर भी बनवा लो आईफोन 11 का। सो मैं आपको थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। एंड गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सोहेल भाई से बात करूँगा। एंड पहला मेरा सपना ये रहा था कि मैं दानिश भाई से ज़रूर मिलूँगा, बट दानिश भाई तो है नहीं बट हमारे दिल में। सो मैंने लाइव
यानी कि हमारे सेकेंड दानिश जैन सोहेल जैन है। सो वही, सो अब उनसे बात कर लिया, आई मीन दानिश बाबू से बात कर ली। सो मैं आपको थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। एंड उन्होंने बोला, एंड गाइस सबसे मेन बात, उन्होंने ये भी मुझे बोला था कि मैं तेरी वीडियोस देखता हूँ, और मुझे इतना मुझे बिलीव नहीं हुआ कि सोहेल भाई भी मेरी वीडियो देखते हैं। सो अगर सोहेल भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपका पर्सनल नंबर दिया। अब सोहेल भाई मेरा फ्रेंड है, आई डोंट नो वो मुझे फ्रेंड मानते या नहीं मानते, सॉरी, बट सोहेल भाई मेरा फ्रेंड है। और मैं आपको थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। सो भाई ओके, ऑलराइट गाइस, चलो मैं आपको सुनाता हूँ। एंड सुनना गाइस, मैं अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सोहेल भाई मेरा फ्रेंड है। अरे भाई बच गया, भाई बच गया तुम्हारा ना। मैं YouTube पर भी वीडियो देखता हूँ भाई, मैं कैसा, मेरे को ना जो वीडियो बनाते ना YouTube पे, हाँ हाँ ब्रो, मेरे को बहुत पसंद है भाई, मतलब जो, अरे भाई भाई मैं आपसे इंस्पायर हूँ ब्रो, मैं तुमसे दानिश भाई से बहुत इंस्पायर हूँ ब्रो, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा क्या। सो गाइस जैसे कि देखा, मैं एकदम पागल की जैसे बात कर रहा था। कोई बंदा, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई स्टार मुझसे ऐसे बात कर रहा है, इसलिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। एंड मैं पागलों के जैसे, गाइस पागलों के जैसे, फक इग्नोर थी साउंड। एंड गाइस लेटर बता रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सोहेल भाई मुझसे बात की। एंड सडनली अपना इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल नंबर दे दिया, एंड उसका पर्सनल नंबर, उनका पर्सनल नंबर रखना मेरी जिम्मेदारी है। एंड सो थैंक यू सोहेल भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात की। एंड गाइस सोहेल भाई ने मुझे ये भी बोला था कि कवर बनवा के आना, तो मैंने उस टाइम कवर भी ऑर्डर दे दिया था मेरे फ्रेंड को। एंड आज शाम को मैं जाऊंगा वो कवर लेने, तो आप भी मेरे साथ चलना। एंड गाइस अभी मैं कसम से मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। सो वही ओके, ऑलराइट गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:39। एंड गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फाइनली मेरी पोम पोम बिलो लेने, बिकॉज वो हो चुकी है, मेरे पास कॉल आ गया सर्विस सेंटर से कि आ जाओ भाई तुम्हारी गाड़ी हो चुकी है। सो गाइस मैं जा रहा हूँ, एंड मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई मैं मेरी न्यू व्हीकल लेने जा रहा हूँ। सो चलते हैं और लेके आते हैं। सो गाइस ओके, ऑलराइट गाइस, फाइनली अभी हम निकल चुके हैं, और जैसे कि देख सकते हो आप, एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरी पोम पोम बिलो के लिए। सो वही सर चलते हैं गाइस, एंड जल्दी से लेके आते हैं। Is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Okay guys, finally हमारी गाड़ी सर्विस हो चुकी है, एंड थोड़ी गंदी लग रही होगी, वो हम घर जाके वॉश करेंगे। सो ये जैसे कि देख सकते हो हमारी पम्प पम्प बिल्लो। ओके गाइस करते हैं हमारी गाड़ी चालू, सो लेट्स गो, देखते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, फाइनली हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड लिटरली गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम बाद गाड़ी चला रहा हूँ, 20 दिन बाद गाड़ी चला रहा हूँ। सो भाई सो चलते हैं फिर से लेके हैं। एंड हमारी पम पम बिलो फिर से हो चुकी है, सही गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। ओके गाइस फाइनली मैं बहुत खुश हूँ, एंड चलते हैं घर पर, देन देखते अभी क्या करते हैं। और हमारा कवर भी लेने जाना हमें, जो कि सोहेल भाई ने बोला था। सो लेट्स गो गाइस, एंड बहुत खुश हूँ मैं कि हमारी पम्प मिल्लो ठीक हो चुकी है, एंड अब से इसकी अच्छे से केयर करेंगे। सो वही ओके ऑलराइट गाइस, फाइनली अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। एंड गाइस अभी मैं देखता हूँ मेरी पम्प पम्प बिलो को वॉश करता हूँ या नहीं करता, बिकॉज मैं बहुत थक गया हूँ। एंड अभी थोड़ी देर में मुझे मेरा कवर भी लेने जाना है, जो कि मुझे सोहेल भाई ने बोला था। सो वैसे देखता हूँ, और अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। एंड बहुत ही ज़्यादा खुश था मैं आज को, बिकॉज मुझे सोहेल भाई ने मैसेज किया, पर्सनल नंबर दिया, एंड कॉल पर बात करी, और आज मेरी पम्प पम्प बिलो भी ठीक हो गई। पूरे 20 दिन बाद आज ठीक हुई हमारी पम्प पम्प बिलो। सो एंड गाइस मैं आपको बोल रहा था कि अब से मेरे जो भी व्लॉग रहेंगे वो सुबह के 9:30 या 8 और 10 के बीच में आ जाएंगे, बिकॉज मैं प्राइमरी रखना अब स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आपको दिख जाएंगे वो मेरे व्लॉग की टाइमिंग, मैं आपको कन्फर्म टाइमिंग इंस्टाग्राम पर अपडेट दे दूँगा, जाके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, और कि मैं कितने बजे अपलोड करूँगा। सो ओके ऑलराइट गाइस, अभी हम
फाइनली आ चुके हैं एंड कवर लेने गया था, बट हमारा कवर के साथ स्कैम हो चुका है। कवर बन गया था, एकदम रेडी हो चुका है, बट सॉरी गाइज आपको कवर नहीं दिखा पाए बिकॉज हम सुबह सुबह से कवर कर रहे थे एंड जिसका लिए मेन व्लॉग था वही सीन हो गया। सो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं पक्का दिखा दूंगा। एंड कवर बन गया था डूड, बट अच्छा नहीं बना था वो, इसलिए उसके लिए सॉरी, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। एंड जैसे कि देख सकते हैं एकदम शांत जगह पे आया था मैं, बिकॉज चिल मानना था मैं, और यही जगह है जहाँ पर मैं मेरा सॉन्ग भी शूट करता हूँ एंड हम रात को यहाँ चिल मारते हैं फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यहाँ पर कोई होता नहीं बोलने वाला, तो हम इधर चिल मारते हैं जैसे कि देख सकते हो। एंड ये जगह एकदम नॉर्मल। एंड गाइज 2 महीने बाद बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब लोग आने वाला है, बिकॉज हमने कहीं की एक बैंकर वाली ट्रिप बनाई है, बट वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। सो बहुत बॉम्ब व्लॉग आने वाले हैं। सो अभी बज रहे हैं गाइज रात के 9:56। सो चलो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करता है। होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच सोहेल जियन ब्रू मुझसे बात करने के लिए एंड मेरे फ्रेंड बनने के लिए। एंड जैसे कि देख सकते हो ये जगह है गाइज, हम रात को इधर आते हैं। सो चलो गाइज बाय बाय गाइज, सी यू, टेक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं पक्का आपको कवर दिखाऊंगा। सो बाय बाय गाइज, सी यू, टेक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो वही